अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ बिल्कुल रियल और एक्टिव तरीका है। जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो आपकी वीडियोस को वॉच करेगा और आपका चैनल भी ग्रो होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, वो आपके चैनल को कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, और आपको क्या चाहिए? आपके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं और आपका चैनल भी ग्रो होने वाला है। तो व्यूअर्स, ये कैसे पॉसिबल है? बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको ये सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कल के हमारे वीडियो के विनर हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट करें। इनके चैनल का लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। और अगर इसी तरह आप भी अपने चैनल की प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आपने करना यह है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप विनर आएंगे तो आपके चैनल की प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाने का, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने चैनल पे ये गलती कभी भी नहीं करनी। ये वो गलती है जो 100 में से 99% न्यू यूट्यूबर अपने चैनल पे करते हैं। तो व्यूअर्स, वो क्या करते हैं, जैसे ही अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं या जैसे पहले अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को लिंक शेयर कर देते हैं और उनको क्या कहते हैं कि ये हमारा चैनल है, ये हमारी वीडियो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को वॉच करें। तो व्यूअर, जब आप ऐसा काम कर रहे होते हैं तो आप शुरू शुरू में ही अपने चैनल की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, जब आप अपने चैनल का लिंक शेयर करते हैं या वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके जाने वाले होते हैं, वो आपकी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो को वॉच करते हैं, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। एक दो वीडियो के व्यूज देख के तो आपको मजा आ जाता है कि सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और वीडियो पे व्यूज भी आए हैं। लेकिन व्यूअर्स, बाद में क्या होता है कि वो लोग आपकी वीडियो को वॉच नहीं करते। बस एक दो वीडियो देखी, वो ये देखते हैं कि आप YouTube चैनल पे क्या कर रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन बाद में वो लोग आपकी वीडियो को वॉच नहीं करते। उनके पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, उनके पास आपकी वीडियो का थंबनेल जाता है, वो क्लिक ही नहीं करते, या क्लिक कर देते हैं तो आपकी वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं रखते जिस तरह की आप वीडियो बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, इससे नुकसान क्या होता है, यूट्यूब के पास सिग्नल जाता है कि इस चैनल पे सब्सक्राइबर भी हैं, लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी कर रखा है, लेकिन लोग इसकी वीडियो को वॉच नहीं कर रहे। जब लोग आपकी वीडियो को वॉच नहीं कर रहे तो सीधी सी बात है, आपके कंटेंट में दम नहीं है, यूट्यूब को यह सिग्नल जाता है। और यूट्यूब क्या करता है, आपके चैनल के, आपकी वीडियो के इंप्रेशन रोक देता है, आगे नहीं बढ़ाता और आपका चैनल बिल्कुल ही ग्रो नहीं होता। तो व्यूअर्स, इस तरह शुरू शुरू में आप अपने चैनल की जो जड़ें होती हैं वो काट देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। जब भी आपने अपना चैनल बनाना है, अपनी पहली वीडियो अपलोड करनी है, आपने चुपचाप से अपने चैनल पे काम करना है। जैसे ही आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आपका चैनल ग्रो होगा, खुद ब खुद लोगों के सामने आपकी वीडियोस जाएंगी, YouTube लोगों के सामने, आपके जानने वालों के सामने आपकी वीडियो पहुंचाएगा। और व्यूअर्स, ये हकीकत है, मुझे काफी ज्यादा जानने वालों की कॉल्स आई हैं कि हमने आपकी YouTube पे वीडियो वॉच की है, हमने आपकी वीडियो देखी है, हमें आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि व्यूअर्स, वो मुझे पहली बार यूट्यूब पे देख रहे थे, जब वो देख रहे थे तो उस टाइम मेरी वीडियो पे व्यूज भी अच्छे थे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी अच्छे थे, तो व्यूअर्स उनको भी देख के अच्छा लगा। तो आपके साथ भी ऐसे होगा, जो अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जिस तरह आपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, आपकी वीडियोज पे व्यूज आएंगे, आपकी वीडियोज वायरल होंगी, आपका चैनल ग्रो होगा। और जिस जानने वाले के सामने आपका चैनल जाएगा वो खुशी खुशी आपकी वीडियो भी देखेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो व्यूअर्स, मेरी बात आपको समझ आई। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यूट्यूब पे। ये देखिए आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन है। तो ये देखिए आपके सामने यूट्यूब ओपन है। तो व्यूअर्स, अब आपने यूट्यूब पे क्या करना है, आपने अपने चैनल की कैटेगरी देखनी है, आपने देखना है कि आप कौन सी वीडियोज बना रहे हैं, आपने उसी तरह की वीडियो का टाइटल यूट्यूब पे सर्च करना है जिस तरह की आप वीडियोज बनाते हैं। अब फर्ज करें कि आपका कुकिंग का चैनल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने YouTube पे आके सर्च करना है। जैसे आप कोरमा बनाते हैं तो आपने सर्च करना है कोरमा कैसे बनाएं। ये देखें आपके सामने मैंने सर्च किया, तो व्यूअर्स आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। तो अब यहां से आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ने वाले हैं, व्यूअर्स आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये देखें मैंने क्लिक कर दिया, यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है सर्च फिल्टर्स का, आपने यहां पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है टाइप पे और यहाँ पे आपने चूज करना है चैनल। ये देखें मैंने चैनल पे क्लिक कर दिया। नीचे आपने एनी टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है दिस ईयर। व्यूअर्स ये देखें मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये सेटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके सामने चैनल्स आएंगे, वो चैनल होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, जिनके 100 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर होंगे, यानी कि YouTube पे न्यू चैनल्स होंगे। उन न्यू चैनल से आपने जो ट्रिक यूज करनी है, जो आपने ट्रिक लगानी है जिससे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे, आपने इसको समझना है। कोई भी आपने यहाँ पे कमेंट नहीं करना, ये जो न्यू चैनल है यहाँ से सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा सब्सक्राइबर बढ़ाने का। व्यूअर्स कैसे, ये देखें मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे एक आपके सामने चैनल आ चुका है, बिल्कुल न्यू चैनल है, इस पे 191 सब्सक्राइबर है, यानी कि इसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। जिस चैनल के ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हूँ हम उसको क्या कहते हैं कि ये न्यू चैनल है। तो व्यूअर्स अब मैं क्या करता हूँ, इस चैनल पे क्लिक कर देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे आने के बाद हम वीडियोज पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने वीडियोस आ जाती हैं। तो व्यूअर्स अब आपने क्या करना है, पॉपुलर पे क्लिक करना है। आपने देखना है कि इस चैनल की पॉपुलर वीडियो कौन सी है। ये देखें मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें आपके सामने वीडियो आ चुकी है, इस पे 35,000 व्यूज़ हैं। अब इस चैनल के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है लेकिन व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 35,000। तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि इस वीडियो में दम है, इस टाइटल में कोई दम है। तो अब यहां से आपने आइडिया क्या लेना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने का, कि आपको यह बात पता चल गई कि चिकन बिरयानी पे लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। तो व्यूअर यहां से आपको वो टाइटल, वो कीवर्ड मिल जाता है जो लोगों को चीज जरूरत है, क्योंकि चिकन बिरयानी काफी ज्यादा लोग बनाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स आपने करना क्या है, आपने इस कीवर्ड पे अपनी वीडियो बनानी है। अगर आप इस कीवर्ड पे वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे। ये जो सब्सक्राइबर होंगे बिल्कुल रियल और एक्टिव होंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपकी वीडियो को वॉच करके आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो व्यूअर्स ये तो मैंने आपको एक चैनल दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ये देखें आपको काफी चैनल्स मिल जाते हैं, न्यू चैनल। आपने सेम इसी तरह करना है, उनकी पॉपुलर वीडियो देखनी है कि किन वीडियो पे, किस टाइटल पे, किस कीवर्ड पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, आपने उस कीवर्ड को हिट करना है, ठीक है। ये तो कुकिंग की कैटेगरी है। अब आपके चैनल जिस कैटेगरी पे है आपने सेम यही तरीका यूज करना है, उस पे वीडियो बनानी है, फिर देखिएगा कि आपकी वीडियो पे कितने ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं और कैसे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आते हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके को आपने अपनाना है और अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका जिससे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर 100% आते हैं। व्यूअर्स वो कैसे, हम यहां से बैक आते हैं, दोबारा हम यूट्यूब पे आ जाते हैं, दोबारा हम यहां पे सर्च करते हैं कोरमा कैसे बनाएं। ये देखें मैंने सर्च किया, तो व्यूअर्स अब यहां पे वीडियोस आ चुके हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो यहां से आपने वो वीडियो लेनी है जो कम टाइम में ज्यादा व्यूज ले सकी हो। तो ये आपके सामने है, एक साल पहले अपलोड हुई और इस पे 3.3 मिलियन व्यूज है। तो व्यूअर्स ये वीडियो हमारे काम की है, यहां से हम सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूं। तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, मैं आ जाता हूं कमेंट्स वाले सेक्शन में। ये देखें मैंने कमेंट्स पे क्लिक कर दिया। तो व्यूअर्स अब यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है न्यूएस्ट का, मैं न्यूएस्ट पे क्लिक कर देता हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है एक साल पहले अपलोड हुई है। तो हमने कौन से सब्सक्राइबर लेने हैं, न्यूएस्ट, नए सब्सक्राइबर जो रियल और एक्टिव हों। अब जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था उनको हमने टारगेट नहीं करना, हमने नए लोगों को टारगेट करना है। तो ये देखें मैंने न्यूएस्ट पे क्लिक किया, हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ये देखें सेकंड पे आपको एक कमेंट मिल रहा है, 3 दिन पहले ये कमेंट हुआ है। व्यूअर्स ये देखें, आप चिकन चैप को रेसिपी शेयर करते हैं, प्लीज चिकन चैप की रेसिपी शेयर करें। तो ये कमेंट इसने कर रखा है। तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, अगर आपने इस कीवर्ड पे वीडियो बनाई है तो आपने इसको कमेंट करना है जाके कि इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करें। तो व्यूअर्स इसके जो मतलब की चीज है इसे मिल जाएगी, ये ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे आएगी और आपकी वीडियो भी देखेगी, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगी। अब ये काम सिर्फ आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करता, काफी लोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये देखें नीचे हम आते हैं, ये आपके सामने है, आई हैव ऑल्सो ट्राइड दिस एंड मेड अ वीडियो। नीचे वीडियो का उसने लिंक भी शेयर किया हुआ है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है व्यूअर्स। तो लोग इस तरह अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, अपनी वीडियोस को वायरल करते हैं। तो अब मैं आपको नीचे दिखाता हूं, क्या मटन को इसी तरह तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसने क्या क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि इसको किसी ने भी आंसर नहीं किया। अगर आप इसको आंसर करेंगे
आप इसके कीवर्ड पे वीडियो बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये आपके वीडियो पे आएगी और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगी। तो व्यूअर यहाँ पे आपको न्यू काफी ज्यादा कमेंट्स मिल जाते हैं, तो आपने न्यू लोगों को कवर करना है क्योंकि ये आपकी कैटेगरी के रिलेटेड है, ये वो लोग हैं जो आपकी वीडियोज को वॉच करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, यहाँ पे काफी ज्यादा कमेंट्स हैं, आप नीचे जाएं आपको काफी और वीडियोस मिल जाती हैं जिन पे मिलियंस पे व्यूज हैं। तो व्यूअर वहां से आपने इसी तरह नए लोग निकालने हैं अपनी कैटेगरी के रिलेटेड, उनको अपने चैनल पे लेके आना है, अपने चैनल को ग्रो करवाना है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूं इस तरीके का यूज मैंने पर्सनली किया है, तो आप भी कर सकते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं लास्ट तीसरा तरीका जिससे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आते हैं। अगर किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लाजमी से आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर वो आपकी वीडियो को वॉच करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो क्या होता है कि जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं आपकी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं 2, 3, 5, 10 इतने तो आते हैं। अब ये आपको नहीं पता कि उन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा, तो आपने क्या करना होता है, उनसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना होता है। तो व्यूअर्स वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे, जिन्होंने भी आपकी वीडियो पे कमेंट किया हो आपने उनके कमेंट का रिप्लाई करना है, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप उनको थैंक्स लिखेंगे या उनके कमेंट का रिप्लाई करेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह आपने अपने चैनल पे रियल और एक्टिव सब्सक्राइबर लाने हैं जो आपकी कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हो, और ये लोग जब आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कभी भी आपके चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करते, और देखते ही देखते आपका पूरे का पूरा चैनल ग्रो हो जाता है। तो व्यूअर्स आप इस तरीके को अपनाएं, अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाएं और अपने चैनल को ग्रो करें। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।